अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम और घर पर मौजूद चीज़ों के साथ ही हम इसको बना रहे हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होती है। रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। इसके लिए हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और इसको बॉईल करेंगे मीडियम फ्लेम पर। साथ में लेंगे 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। और थोड़ा दूध डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। दूध आप गर्म ना लें, ठंडा ही दूध लें और अच्छे से इसको मिला देंगे। ये देखें दूध भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 कप शक्कर डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मिला देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कस्टर्ड पाउडर जो हमने दूध के साथ मिलाया था। एक बार इसको मिला देंगे और कंटिन्यू स्टर करते हुए हम इसको पका लेंगे। आप लगातार चम्मच चलाएं, नहीं तो इसमें गुठलियां पड़ जाएंगी। मीडियम फ्लेम पर हम इसको करीब 7 से 8 मिनट पकाएंगे। देखें थोड़ा थोड़ा गाढ़ा भी होने लगा है और थोड़ा अच्छे से कलर के लिए हम इसमें फूड कलर भी डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और मीडियम फ्लेम पर हम इसको लगातार चम्मच चलाते हुए बना रहे हैं। देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। बस इसी तरीके से हमको चाहिए और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और लगातार चम्मच चलाएंगे ताकि इसके ऊपर मलाई नहीं आए। मलाई बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इसको लगातार हिलाते रहें आप और ठंडा कर लेंगे उसको। साथ में लेंगे 1 आम और इसके पीस करके हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। आम को हमने ब्लेंड कर लिया है। अब ठंडा कस्टर्ड हम इसमें डाल देंगे और इसको भी एक बार ब्लेंड करेंगे। देखें हमने अच्छे से आम के साथ कस्टर्ड को ब्लेंड कर लिया है और एक कंटेनर में इसको शिफ्ट कर देंगे और ढककर 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको फ्रीजर में रखेंगे। 2 घंटे बाद हम आइसक्रीम को निकालेंगे और इसको दोबारा ब्लेंड करेंगे। देखिए आइसक्रीम को हमने दोबारा ब्लेंड कर लिया है। कितनी क्रीमी हमारी आइसक्रीम का बैटर बना है। और इसको इसमें कंटेनर में डाल देंगे, थोड़ा टैप कर देंगे और एक फॉइल पेपर से इसको कवर कर देंगे। इससे आई क्रिस्टल आइसक्रीम पे बिल्कुल नहीं है जमेंगे। और ढककर 7 से 8 घंटे के लिए इसको फ्रीजर में छोड़ देंगे अच्छे से सेट होने के लिए। 7 से 8 घंटे बाद हमने इसको निकाल लिया है। इसका ढक्कन हटाएंगे। हमारी आइसक्रीम जमकर बिल्कुल तैयार है। ये अच्छे से सेट हो चुकी है, अभी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक प्लेट पर हम इस तरीके से इसको निकाल लेंगे और थोड़ा पिस्ते से इसको गार्निश कर देंगे।
बहुत ही बढ़िया हमारी आइसक्रीम जमकर तैयार हुई है, बहुत ही बढ़िया बनी है, बिल्कुल बाजार जैसी हमने बनाने की कोशिश करी है। अब इसके पीस कर लेंगे हम। देखें कितनी स्मूथ हमारी आइसक्रीम बनी है। ज़रूर बनाएं एक बार, इसी तरीके से बनाएं, घर में मौजूद चीज़ों के साथ बनाएं। हमारी वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।